नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। इन दिनों आगामी चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं और नेता एक दूसरे को घेरते हुए कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बीच आम जनता से बड़े बड़े वादे भी किए जा रहे हैं। चुनाव नजदीक आते ही नेता वादों की झड़ी लगा देते हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में अब बीजेपी मध्य प्रदेश की जनता के लिए वादों का पिटारा खोलने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मी के बीच बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। इस घोषणा पत्र में पार्टी कई बड़े ऐलान कर सकती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे और बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है। बीजेपी अपने वचन पत्र या कहें कि संकल्प पत्र के जरिए कांग्रेस के घोषणा पत्र को टक्कर देती दिखाई देगी। कांग्रेस ने 17 अक्टूबर को ही अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया था। अब जब चुनाव में 6 दिन बचे हैं तब भाजपा अपना संकल्प पत्र जारी करने जा रही है। फिलहाल मध्य प्रदेश चुनाव 2023 को देखते हुए न सिर्फ भाजपा बल्कि कांग्रेस और तमाम पार्टियां एड़ी चोटी का बल लगा रही हैं और प्रचार के लिए बड़े बड़े नेता मध्य प्रदेश का दौरा भी कर अपने प्रत्याशी की जीत के लिए जनता से वोट देने की अपील कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश चुनाव की तैयारी में सभी राजनीतिक दल जुटे हुए हैं। दिग्गज नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। बीजेपी मध्य प्रदेश चुनाव के लिए आज घोषणा पत्र जारी करेगी। थोड़ी ही देर में जेपी नड्डा घोषणा पत्र जारी करेंगे। आगामी चुनावों को लेकर फुल एक्शन में बीजेपी नजर आ रही है और नेता एक दूसरे को घेरते हुए बड़े सवाल भी उठा रहे हैं। बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र मध्य प्रदेश में जारी करेगी। अब से थोड़ी ही देर में जेपी नड्डा घोषणा पत्र को जारी करेंगे और इस घोषणा पत्र में तमाम बड़े वादे किए जाएंगे जनता से मध्य प्रदेश में कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि मध्य प्रदेश में बनती है तो उन वादों को पूरा किया जाएगा। जनता के लिए कौन कौन सी योजनाएं लाई जाएंगी अगली सरकार यदि बनती है तो उसमें, और उन योजनाओं को किस तरीके से पूरा किया जाएगा, बीजेपी आज पूरा खाका जनता के सामने रखेगी। तो घोषणा पत्र की संभावित घोषणाएं क्या है जरा वो आपको बता दें। 100 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा हो सकता है बीजेपी की तरफ से कि सरकार बनती है तो 100 यूनिट बिजली मध्य प्रदेश के लोगों को मुफ्त में दी जाएगी। और इसके साथ लाडली बहनों के लिए भी बड़ा ऐलान संभव है कि लाडली बहना योजना जिस तरीके से मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार चला रही है उसको लेकर के भी ऐलान हो सकता है। किसानों को सब्सिडी को लेकर भी ऐलान किया जा सकता है। सिंचाई के लिए 5 हाउस पावर निःशुल्क बिजली का भी प्रावधान किया जा सकता है, ये माना जा रहा है। किसानों के लिए भी ये ऐलान किया जा सकता है मध्य प्रदेश में। तो ये कांग्रेस के वचन पत्र की बड़ी बातें हैं। तो सिंचाई के लिए जो निःशुल्क बिजली का प्रावधान किया गया है और नंदिनी गोधन योजना 2 रुपए किलोग्राम में गोबर खरीदेगी कांग्रेस, ये कांग्रेस ने वादा किया है। 2 लाख सरकारी पद भरे जाएंगे, ये बात भी कही गई है कांग्रेस की तरफ से। बेटियों के विवाह की नई योजना और 1 लाख रुपए यानी 1,01,000 रुपए दिया जाएगा। महिलाओं के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन का भी प्रावधान किया गया है कांग्रेस की तरफ से वचन पत्र में। अपने सरकारी संस्थाओं में 50% महिलाओं को तवज्जो दी जाएगी। 2,600 रुपए में गेहूं और 2,500 रुपए में धान खरीदा जाएगा कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये वादे किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। लेकिन आज बीजेपी अब अपने घोषणा पत्र में इन वादों की काट निकालेगी। सवाल क्या है वो आप बता देते हैं आपको कि किसके वादों में कितना दम होगा। कांग्रेस तो वादे कर चुकी है लेकिन बीजेपी जो वादे करने जा रही है दोनों के वादों के अगर तुलनात्मक हम करें तो किसके वादों में दम नजर आएगा और किसके दावे होंगे कम, ये भी एक सवाल है कि कौन ज्यादा वादे कर रहा है और कौन कम वादे कर रहा है, कौन करेगा वादों को पूरा। सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल यही है कि वादे तो किए जाते हैं लेकिन इन वादों को कौन पूरा करेगा, जनता देगी किसका साथ, यह भी एक बड़ा सवाल है क्योंकि वादों के सहारे ही जीत के दावे किए जा रहे हैं लेकिन जनता किसके साथ जाएगी ये देखने वाली बात होगी। किसके वादे लाएंगे रंग, तो मध्य प्रदेश में किसके वादे
रंग लाते नजर आएंगे। और अब की बार बनेगी किसकी सरकार, मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी, जनता किसके साथ जाएगी, ये अपने आप में बड़े अहम सवाल हैं। और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदीप सिंह जी हैं, कुंवर सिंह निषाद जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आलोक पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और तीनों मेहमानों का स्वागत है। प्रदीप सिंह जी, आज आपका घोषणा पत्र जारी होने जा रहा है। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र पहले ही जारी कर दिया है, जिसे वचन पत्र नाम दिया गया है। ऐसे में किस तरीके से कांग्रेस के वचन पत्र में जो वायदे किए गए हैं, उन वायदों की काट आज भारतीय जनता पार्टी निकालती नजर आएगी? नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि काट निकालना एक शब्द थोड़ा थोड़ा नेगेटिव शब्द है, इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। हम इस प्रकार से लेके चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कि राष्ट्र के विकास के लिए, महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहती है, वो अपने इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से नए प्रस्तुतिकरण के साथ जनता के समक्ष प्रस्तुत हो रही है, है ना। तो अब अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में पिछले कई वर्षों से हमारी सरकारें हैं, वहां सरकार चल रही है, और अगर मीडिया बंधुओं की माने तो जो अभी की स्थिति है उसमें हमारी सरकार पुनः भारी बहुमत से आ रही है। तो देखिए क्या है कि ये एक प्रोटोकॉल कहें या एक हमारे लोकतंत्र की एक बात कह लें कि हर पार्टी अपना अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करती है, लेकिन जनता ये बहुत अच्छी तरह से जानती है कि किसकी आइडियोलॉजी किस प्रकार की है, और उसी आइडियोलॉजी को लेकर के वो अपने मत को बनाती है। जैसे कि अब अगर कहें कि कुछ कांग्रेस के समर्थक हैं तो वो नहीं के रहेंगे, कुछ जो बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं तो हमारे ही रहेंगे। लेकिन ऐन चुनाव से पहले जो इस प्रकार की बातें होती हैं, क्योंकि सरकार एक योजना के अनुरूप पे काम करती है, हमें नहीं काम करती कि कोई आया इधर उधर कर दिया, इस तरह से नहीं होता है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो विकासवादी नीति है उसको हम हाईलाइट करके जनता को कन्विंस करने का प्रयास करेंगे, और जनता का समर्थन हमें है। लेकिन चूंकि अब ये चुनावी मौसम है, इसको कहें कि चुनावी सीजन है या चुनावी वित्त वर्ष है या चुनावी आने वाला साल 24 में आम चुनाव है, तो हर पार्टी जिस प्रकार से प्रयास करती है, भारतीय जनता पार्टी उसमें अग्रणी रहती है और जनता को सच बता करके और सच योजनाओं के आधार पर चला करके हम कर रहे हैं। बीते 2014 के बाद से अब तक जितनी भी योजनाएं आई हैं और वो जिस प्रकार से सफलतापूर्वक चल रही हैं, जनता पहले ही मानती है कि ये जो भी योजनाएं आएंगी वो सफलतापूर्वक चलती रहेंगी। और आगे क्या वजह रही प्रदीप जी, क्या वजह रही, आते आते काफी देर नहीं हो गई, 6 दिन चुनाव को बचे हुए हैं, घोषणा पत्र आज जारी होने जा रहा है, देर? अगर जनता हमें चाहती है कि ठीक है जी हमारे उस पर कन्विंस है, हमारी बातों पर कन्विंस है, अब चूंकि जिसको बोलते हैं ना एग्जाम टाइम जब आता है तो थोड़ी विशेष तैयारी की जाती है, आप इसे लोकतंत्र की एक बात कह लें या आप इसको लोकतंत्र का एक हिस्सा मान लें, लेकिन असल जो निर्णय करता है वो जनता ही है। और जनता अगर इस बात को मानती है कि भाई हमारी योजनाएं क्या है, हमारी बातें और विचार क्या है, और हम उसको देखिए, रिपीटेशन इज अ मदर ऑफ स्किल, ये सभी विधाओं में ये बात लागू होती है, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता ये बार बार प्रस्तुत करता है कि जी हम जो कह रहे हैं हम वो करेंगे, हम वादों से मुकरेंगे नहीं। कर्नाटक वाला हाल नहीं होगा जो कर्नाटक में हुआ कांग्रेस के द्वारा, जहां पे उनकी अभी सरकार है, कि भाई 5 वादे हैं और 6ठा वादा इन 5 वादों को पूरा करना, बस यही 6 वादे में पूरे कर्नाटक को टपा दिया और उसके बाद अब कुछ हो नहीं रहा है, सारी की सारी बातें धरी की धरी रह गई। तो भारतीय जनता पार्टी के जो वादे हैं वो उतरते हैं जमीन पे और उसके बाद भी बहुत सारे कामों का स्कोप बहुत ज्यादा रहता है। बिल्कुल, वादे किसके उतरते हैं प्रदीप जी, ये जनता ही बता सकती है। और चुनाव और उसके बाद फिर 5 वादों पे 5 साल बिता देंगे जनता की सेवा में? अरे नया होना चाहिए, प्रगति सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जनता को मूर्ख बनाने वाली प्रक्रिया नहीं है जैसा कर्नाटक में कांग्रेस किया है। जवाब ले लेते हैं प्रदीप जी, जवाब ले लेते हैं। कुंवर सिंह निषाद जी, जनता को बेवकूफ बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं आप लोग, वायदे तो करते हैं लेकिन जब वायदों को पूरा करने की बारी आती है तो आप भटक जाते हैं। योगेश जी, बड़ी अच्छी बात यहाँ पे चल रही है, और प्रदीप जी ने बड़ा अच्छा पक्ष रखा अपनी पार्टी का। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे वो पूरे किए, और मैं तो कहना चाहूंगा भाई इनके वादे इनको याद रखने चाहिए,
ये काशी को क्वेटा बनाने वाले थे, ये वादा पूरा हो गया। ये 15 लाख रुपए देने वाले थे, ये वादा पूरा हो गया। ये 100 स्मार्ट सिटी बनाने वाले थे, ये वादा पूरा हो गया। ये नमामि गंगे का प्रोजेक्ट लेके आए थे, वो पूरा हो गया। ये 100 दिन में काला धन वापस लेके आने वाले थे, वो इनका जो जुमला था वो पूरा हो गया। महंगाई कम करने वाले थे, ये जुमला इनका पूरा हो गया। और 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने वाले थे, ये वादा इनका पूरा हो गया। इनका मेक इन इंडिया का वादा था, वो पूरा हो गया। नाली से गैस बनाने की एक ये बहुत बड़ी योजना लेके आए थे, वो पूरा हो गया। मध्य प्रदेश में इन्होंने व्यापम घोटाला, पूरा देश कहता है लेकिन ये तो मानते नहीं, क्योंकि भाई वो क्योंकि ये दूध के धुले लोग हैं, ये करेंगे तो उसको घोटाला नहीं माना जाएगा, वो पूरा हो गया। ये लोग एक से एक खराब योजनाएं पिछड़े दलितों के लिए चलाते हैं, उनके दमनकारी नीतियां इनकी चलती हैं, ये काम इनके चल रहे हैं। और केवल मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर दलित आदिवासियों के ऊपर सार्वजनिक रूप से मूत्र विसर्जन किया जाता है, ये इनकी पार्टी का चाल चेहरा चरित्र है। ये आरएसएस की वास्तविक जो सोच है, जो विचारधारा है, यह भारतीय जनता पार्टी प्रतिलिखित करती है। निषाद जी, और ये बात ये अगर इन बातों पर हम चले जाएं तो फिर अभी वो राजस्थान पर चले जाएंगे, राजस्थान में क्या क्या हो रहा है। कुंवर सिंह निषाद जी, लेकिन बात जाना चाहिए, आपने इतने सारे सवाल खड़े कर दिए, सुनिए तो, आपने इतने सारे सवाल खड़े कर दिए। आपने कहा कि वायदे नहीं बीजेपी पूरी कर रही है, कितने आपने लिस्ट लगा दी कि कौन कौन से वादे नहीं पूरे गए। उसके बावजूद जब ये वादे नहीं पूरे किए जा रहे हैं, तब भारतीय जनता पार्टी का ये हाल है कि हैट्रिक पे हैट्रिक मारे जा रही है। अगर ये वादे पूरे कर देगी तब क्या होगा? नहीं, करने चाहिए ना भाई, इन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए। इन्होंने उत्तर प्रदेश में भी कुछ वादे किए थे, वो मेरे पास उनकी एक सूची है। उत्तर प्रदेश में ये लोग बेरोजगारी भत्ता देने वाले थे, नहीं दे पाए। युवाओं को स्वरोजगार योजना लाने वाले थे, नहीं ला पाए। फ्री बोरिंग की ये स्कीम लाने वाले थे, नहीं लेके आ पाए। नहीं, वही मेरा सवाल है कि अगर ये नहीं जो वायदे किए, नहीं वायदे पूरे किए, तो जनता क्यों बीजेपी के साथ जा रही है? कांग्रेस को क्यों ठोकर मार रही है? सवाल ये है जी, अगर इन वायदों को नहीं पूरा किया गया बीजेपी की तरफ से, तो जनता क्यों बीजेपी के साथ ही जा रही है? कांग्रेस को ठोकर क्यों मारती नजर आ रही है? आप यूपी कह रहे हैं, यूपी में फिर से देखिए, इतिहास रख दिया योगी आदित्यनाथ ने। आपने ठोकर मारने की बड़ी अच्छी बात की है। ये ठोकर हमको लगी हिमाचल प्रदेश में, ये ठोकर लगी हमको कर्नाटक में, और यही ठोकर जनता हमको ये 5 राज्यों में भी देने वाली है, और पूर्ण बहुमत का समर्थन हमको देने वाली है। अगर इसको ठोकर कहते हैं, जनता का अगर ये प्यार है तो हमको स्वीकार है। आप ही के मीडिया चैनल के सर्वे हैं, वो बता रहे हैं। और बाकी बात बताना चाहूंगा, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को क्यों स्वीकार कर रही है जनता। इस देश में बहुत लंबे समय तक जाली करेंसी चली, और जाली करेंसी को पहचानने में जनता को बहुत बड़ा वक्त लगा। ये नरेंद्र भाई मोदी, उनके जुमले, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, ये जाली करेंसी की तरह ही है। इनको जनता धीरे धीरे पहचान रही है, और जहां जहां इनको पहचान रही है वहां इनको पूरी तरह से आउट करने का काम कर रही है। कर्नाटक में भी यही हुआ, हिमाचल में भी यही हुआ, और आप विश्वास मानिए मध्य प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर यही होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी त्याई तो छोड़िए, 2 अंकों की गिनती में ही पूरी तरह से सिमटने वाली है। चलिए, बहुत कम वक्त बचा हुआ है, नवंबर चल रहा है और आज 11 तारीख हो गई है, 3 दिसंबर को ये पता भी चल जाएगा किसके साथ जनता जा रही है। आलोक पांडे जी, प्रदीप जी ने एक बात कही कि क्योंकि मैंने जो सवाल पूछा था उसमें उन्होंने कहा काट निकालने वाली बात, अगर ये शब्द हटा दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये प्रदीप जी और कुमार सिंह निषाद जी को मुझे लगता है कि शूट करता होगा, मुझे तो शूट नहीं कर रहा है, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों को मैं देखता हूं कि कौन बेहतर वादे कर सकता है। पूरे करने की बात तो बाद में आती है, सरकार बनने के बाद आती है। हम सामने वाले दल से कितना अच्छा मैनिफेस्टो अपना जारी कर दें और कितने लोग लुभावने वादे कर दें कि जनता हमारी तरफ आकर्षित हो जाए, क्या ये सच नहीं है कि चुनावों में यही होता है? मैं जो कह रहा हूं, सकता है इससे भी सहमत ना हो जो मैं कहने जा रहा हूं दोनों भाई। ये जो राजनीतिक दल है ये बेवफा प्रेमी की तरह, जनता प्रेमिका है। आप प्रेमी जब अपने प्रेम पास में फंसाना होता है तो बड़ी बड़ी बातें करता है विवाह के लिए, लेकिन विवाह उपरांत उसका दशांश नहीं करता। अगर ये जो घोषणा पत्र, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, अगर ये घोषणा पत्र का 50% भी पूरा कर रहे होते तो इस समय ये वादा ना करना पड़ता घर से, हर घर में जल में नल, अच्छी रोडें, अच्छा हॉस्पिटल, अच्छी एजुकेशन, ये 75 साल में हो जाना चाहिए था। इसके आगे की बात होनी चाहिए थी। कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी,
दोनों ने उस तरह से वादे पूरे नहीं किए कि 75 साल में देश की गरीबी खत्म हो जाए। अगर 75 साल में 55 साल कांग्रेस शासन करती है तो गरीबी खत्म करने की जिम्मेदारी सबसे बड़ी कांग्रेस की है। कांग्रेस के सबसे बड़ी नेता थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने कहा विपक्ष के लिए कि ये कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूं गरीबी हटाओ। तो कांग्रेस 55-60 सालों में पानी नहीं दे पाई, स्वास्थ्य नहीं दे पाई, रोड नहीं दे पाई, एजुकेशन नहीं दे पाई, केंद्र में रहते हुए छुए के चाल देश को आगे चलाया जो देश गति से चलना चाहिए। अब आते हैं बीजेपी की बात। बीजेपी भी उससे 5% ही सही है, मैं मानता हूं उससे ज्यादा गति ये भी लेकर नहीं आ पाए। हर घर से नल जल अब कह रहे हैं कि हम करेंगे, 10 सालों में आपको करना चाहिए था। स्वास्थ्य शिक्षा आपको भी कुछ और बेहतर करना चाहिए था। तो दोनों दल देश के विकास के लिए दोषी है। जो ज्यादा सत्ता में रहा है वो ज्यादा दोषी है, जो कम सत्ता में रहा है वो कम दोषी है, लेकिन दोनों दोषी हैं। विकास पहली प्रायोरिटी नहीं होती है। वादा है, वादा करते रहो। कि पिछली बार कांग्रेस आई किसानों के नाम पर, क्या किसानों के लिए कर दिया था कि हम तो आते ही सब कर देंगे, और उसके बाद जनता ने भरोसा किया और कांग्रेस अपने विधायक न संभाल पाई। अब वो कहते बीजेपी ने चोरी कर ली। अरे जो आप 200 लोगों को नहीं संभाल पाते, 20 लोगों को नहीं संभाल पाते, 50 लोगों को नहीं संभाल पाते, मध्यप्रदेश पूरा क्या संभालोगे? ठीक, अच्छा एक तस्वीर और, एक तस्वीर आलोक पांडे जी, एक तस्वीर और निकल करके सामने आ रही है मध्य प्रदेश में, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जी कद्दावर नेता हैं और अपने बयानों के लिए वो अक्सर जाने जाते हैं कि किस तरीके से बेबाक बयान वो देते हैं। उनके सीट में जब केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल गए प्रचार करने, तो उन्होंने कहा कि मिश्रा जी को जिता करके एक बार फिर से विधायक बनाइए और गृह मंत्री से भी बड़ा पद दिलाने की हमारी जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री की दावेदारी किसकी है मध्य प्रदेश में, कुछ पता नहीं है, किसी के नाम का ऐलान नहीं है। अब गृह मंत्री से ऊपर कौन सा पद है, ये सस्पेंस है। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी वो काम करने जा रही है जिसमें उत्तर प्रदेश, हाँ, उत्तर प्रदेश में जब पहली बार 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए तो बगैर किसी नाम और चेहरे के गई, और उसने हर जाति समूह के कान में कहा यार तुम जिता दो तुम्हारे वाले को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब वो कुर्मियों के यहाँ अपने कुर्मियों को बनाएंगे, ठाकुरों के यहाँ अपने ठाकुरों को बनाएंगे, पंडितों के उस ग्रुप में अपने पंडितों का मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो इसी तरीके से इस बार बीजेपी ने, क्योंकि शिवराज सिंह के चेहरे पर वो थोड़ा सा थकान है, जनता उस तरह से नहीं, ऐसा नहीं कि उनसे बहुत नाराजगी है, इतना फ्रस्ट्रेस नहीं है, 18 साल से वही मुख्यमंत्री है बीजेपी के, तो जनता उनके साथ नहीं हो रही। तो बीजेपी कोशिश करेगी हर नेता की या नेता के समूह की महत्वाकांक्षा को बढ़ाया जाए। तो कम से कम ये है कि मुख्यमंत्री तो बाद में बनाना है, किसी एक को बना देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सारे लोगों को जोड़ के चला जाए। जो अभी बीजेपी के साथ प्रॉब्लम ये थी, अभी 4-5 महीने पहले तक तो मेरा अनुमान था कि बीजेपी मध्यप्रदेश हारने जा रहे, और ऐसा बीजेपी के बड़े नेताओं का भी अनुमान था, लेकिन इस समय जो बीजेपी कुछ कर रही है इससे ऐसा लगता है कि अब कांटे की टक्कर है, कोई भी सरकार बना सकता है। और अगर कुछ थोड़ी बहुत एज है 10-5% की, ज्यादा नहीं है वो बीजेपी के पास, अगर आप ये कहते कि बीजेपी बिल्कुल 200% जीतने जा रही है, क्लीन स्वीप करने जा रही, तो ये बीजेपी क्या अच्छी तरह अंदर से जानती है तो ऐसा कुछ करने नहीं जा रही है। दोनों में कांटे की टक्कर है, लेकिन थोड़ी सी एज तो 3-4 महीने पहले कांग्रेस को थी, लेकिन वो जो कपड़ा फाड़ होली खेलने लगे कांग्रेस और दिग्विजय सिंह का, सॉरी कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह का जो विवाद आया सीटों के बंटवारे को लेकर के आया, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करने जा रहे थे तो कपड़ा फाड़ने वाले बात पर वो आ गए, तो वो जो व्यक्तिगत इंटरनल इशू थे, कुर्ता फाड़ वाले जो घटना सामने आई उसके बाद से अब कांग्रेस थोड़ा सा, वो तस्वीरें कांग्रेस की जनता के बीच में गई, तो उसके बाद थोड़ा सा अब आप कांटे की टक्कर बता रहे हैं, बीजेपी थोड़ा सा मजबूत है, लेकिन क्लीन स्वीप वाली आप बात कर रहे हैं जो बीजेपी दावा कर रही है वो गलत है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में वादों की झड़ी लगी है, लेकिन इन वादों की झड़ी के बीच जनता किसके साथ जाएगी ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी बात सबसे बढ़िया है कि आज भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करने जा रही है मध्य प्रदेश में, देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से वायदे जनता से कर लेगी बीजेपी।